भाई यहाँ पर है सरकार है, आप सरपंच तो है, हमें दो रुपये नहीं दिया सरकार ने, हर चोर बता दिए, अरे इनका वो मंत्री है वो के नाम उसका कबली, के नाम उसका कबली, मैंने तो मुझे सारे पकड़े बैठे आ रहे हैं। अरे ये सवाल बताओ, इनका जो नहीं दे रहा सरपंच बना सामाजिक राय करा उसका पानी साफ पानी का नाम क्या दो लाख रुपये भाग्य में जिलाते हैं। ये भाई कट्टर साहब एक बात ये बोल कह है न्यू कह रिकॉल कह लो, एक बात बताओ हाथ खाना बताइयो यो कट्टर साहब रिकॉल होना चाहिए होना चाहिए भाई कुछ सोच कर रहे भाई बीजेपी वाले हाथ नहीं उठा रहे हाथ खाना बताओ कट्टर साहब की वो दीदी का सारा हरियाणा रिकॉल है मैं कह रहा यहां बात सोच सोच के नुका है रिकॉल बढ़िया रहे उसके अंदर दो साल दे रुपये खा गए पैगामा और आप जो अड़े बैठे हो ना एक लाख के बराबर एक आदमी बैठा है कि आप अपने अपने ग्राहक सुन लो ठीक है और आप अपने लिए नहीं आ रहे हो मुख्यमंत्री साहब सुन रहे इस बात रहे कट्टर साहब है ये अपने लिए नहीं बैठे ये गामा के लिए बैठे गांव की डेवलपमेंट के लिए नहीं बैठे ये कहना है मैं रिजर्व अभी शुरू अरे ये सपना बेईमानी नहीं करने लेंगे हम बेईमानी नहीं करने लेंगे चोर तो आ रहा हूं चोर से मैं चोर समझा रहा हूं ऐसा मतलब की बात ना तो चोर होगा वो सपना चोर समझा और एक बात मैं आपको खास बता देता हूं या सरकार है या किसी है या डराओगी धमकाओगी अगर नहीं रहे तो खुद डर जाएंगे जितने भी सरपंच ना मैं देखो मुख्यमंत्री साहब कट्टर साहब का एडमिट आया भाई बता दिए मैं ये तू अलावा स्टेट का सीएम है ये सरपंच वाले काम में आगे सीएम बैठे हैं कितने ही मेरे डॉक्टर साहब अगले सारे के सारे का सीएम है गांव का मान सम्मान है एक लाख है ये सरपंच वाला ही टेंडरिंग अरे ये टेंडरिंग तो अपने लोग कर रहे हैं दो लाख रुपये में लाइट भी मत रूम जा रहे अरे भाई एक बात का खा रहे चेंज रहे एक्शन रहा कोई गड़बड़ करे भाई पकड़ लो कोई ब्लू नाट ले भाई किसे सरपंच ने रखिए भाई ये बात की सुनो बीपीएल के कारण काट दिए गांव वाले लगते बनाए सरपंच आगे काम करेंगे ये कारण काटेंगे गांव वाले आगे किस द्वारा सरपंच द्वारा साल लो गांव में फिर आपस में आए गए दूसरे आए गए सरपंच ने बनवाए हो गया हारे बढ़ते बनवाएंगे काम पर फिर भी करवा लेंगे सरपंच ने करवा दिया हो गया मुश्किल आ गया सरपंच और भाई मैं तो सरपंच गिरा मैंने पहले जो सोटा दिया था और मैं मोटा भाई मार बड़ा सोटा भाई अरे भाई सुनो कभी उल्टा ट्रेन की जरूरत नहीं क्योंकि आप अपने लिए ले रहे हो गांव के लिए समाज के लिए देहात के लिए पंचायत के लिए सरपंच कितनी पावर होगा आप थानेदार काम में नहीं हो सकता सरपंच का मुझे अरे भाई जरूरत ना हो सीएम साहब और सीआई का एक लड़की आए है ये सीआई का साहब है खट्टर साहब का नहीं बताओ आप खट्टर साहब है आप कर रहे हो अमित शाह मोटा भाई गृह मंत्री जी रहे कई बार मोटा भाई बताया तो हुए अरे मोटे ने मोटा का हो गया ये भाई और कोई तो मोटा हो गया हम
लेना सीधी बात है। अरे सरपंच अकेले सरपंच की बात नहीं है, 500-200 को समिति के मेंबर हो पावरवाड़ी से है, हम लोग का है, हमने लड़ाई नहीं मरता। मैं बताऊ महेश्वर पीएचडी कर रखी है, ग्राम सभा को दो ताकत सरपंच को दो, विधानसभा में निकालेंगे सरपंच सीधी बात, गलत बात नहीं भाई। गांव में सरपंच मेंबर के बना रखे हो लोग समिति के पास रहे, ये जिसकी तय करके दे इसकी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाओ, इसका बीपीएल बढ़ाओ, इसकी विधवा पेंशन। अरे एक बात बताओ, कोई भी तुम्हारा सरपंच ने ले रहा सीएम ने ले रहा है, कोई बूढ़ा हो गया उसका सीएम ने ले रहा सरपंच ने ले रहा तो फिर भाई लेकिन करेंगे भी तो पूरी की पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। आप अक्षरा करें अक्षरा दे चलाना है, ठेकेदारों को चलाना है तो क्या कर चुनाव करवाओगे? इसलिए अरे भाई ठेकेदारी इतनी बढ़िया है, अब मुख्यमंत्री ने ठेके लिया क्यों दूर रखा किसान की वर्तमान तो नहीं है भाई। मेरा तो मानना है वो दिशा तंत्र मान्य धाम है अपने द्वारा जो भी कुछ है सारा आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप गांव का प्रतिनिधि कर रहे हो, हमारे सम्मानीय हो और गांव की आवाज उठा रहे हो, और पिछले दो साल में जो रुपये खाए हैं आप सुना रहे हैं ये निकल वाले हैं तुम्हें आज जो भाई एक बात बता रहे ना एवडे पुराने सरपंच है सीएम की करो मंत्री करो एमएलए करो फिर कर दियो फिर क्या होना फिर कर ये सारी तरह एक मेरी सलाह है। देख मेरे काम थोड़े थोड़े उल्टे उल्टे भी ला के आ रहे हैं, हालांकि होते नहीं जनता के लिए। एसोसिएशन है सारे सरपंच लाई है, इनको सलाह दू फैसला करना लाइन ने, लेकिन मैं एक सलाह दू एक सलाह दे या कल आ रहा है मोटा भाई अमित शाह को वाणा में सुनो सुनो मेरी बात सुनो ये तो वो प्रणा नहीं चाहिए। अरे बढ़ जाना है उड़ा है रैली में इसने मेरा कौन सरपंच है कौन ही इसने मेरा है अपने पर्चे का ले गई हो इतना कुछ क्या मानी जैकेट में ले गई हो और दो घर कुछ होने के बाद तो हमने पुलिस अपने सब कुछ का फोन आया था श्रीनगर में 2000 कुर्सियां लगवा रखी है और 3000 श्रीनगर पुलिस वाले लगा रखी है। अगर तुम बैठे रही और तो कोई आवा नहीं तो मेरी सलाह है अगर भाई कार उड़े मोटा भाई के उड़े देखो मैं तो पहुंचूंगा भाई मैं तो अपने घर का ले रहा सीधी बात वही ये आत्मा है देख रहे के नहीं क्योंकि अरे किसान भी दुखी बेरोजगार है वे दुखी बेचारे कर्मचारी है वे दुखी बेचारे और पुलिस वाले तो सिर्फ गांव भगवान के सत्ता लेना है पुरानी पीन है पुलिस वाले भी चीटिंग कर रखी है। अनिल साहब ने जो की थी पंजाब के समान में तंदुमा वो न्याय दिया पुलिस वाले का राज्य ने मैंने खुद जो बताओगे अब यो राज ही डालेगा तो उठ जाएगी सर इसलिए कहा उन्हें पहुंच जाइए। अरे भाई मैं तो थरी गया जब भी गया तो ये खड़े हो तो आ गया ऐसा लोग भी थरी गया सीएम साहब को ये बताना चाहिए सीएम साहब यानी सरकार ने ना मुंह दीवार में गई सरपंच से भी बात मांगी करने के लिए डर हो नहीं हो आज तक बताओ तब फैसला कराई ना जय इंद्रधारी गहला है हर गहला है आज केस लाने आज मेरे पे जेल में जाना आज मेरे पे मैं कितना बकेर बैठ गया तो सारी साल पूरी की तो बोल रहा है बोल बोल ना जेल जेल लड़ लिए अरे इनके केस कैसे लड़ लिए तो मेरे भैया मैंने सारे भैया क्या है बात हूँ फैसला आप लोगों लेना है और हम तैयार है क्योंकि ये गांव में ऊपर बात है आप लोगों के पर्सनली नहीं है तो मेरे भाइयों यही बात जय बोलेगी।